नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कन्याकुमारी से चलते हुए अब कर्नाटक राहुल गांधी की रैली पहुंच चुकी है और उस रैली के बाद जो है यहां पर जनता का अपार समर्थन उनको मिल रहा है और यहां पर कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया, इससे तो लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की पोजिशन शायद अब जो है दूसरे राज्यों से बेहतर है। बहुत सारे कांग्रेस के समर्थन है, लगातार जो है राहुल गांधी के समर्थक में राहुल गांधी ने यहाँ पर भाषण देते हुए ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ और जिस तरह से देश भर में एक नफरती राजनीति चल रही है उसके खिलाफ जमकर जो है बोला है और उसको लगातार लोगों के बीच रख रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस की पोजीशन फिलहाल तो विपक्ष में है, मगर कुछ साल पहले यहाँ पर वो सत्ता में भी हुआ करती थी। आप देखना, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से रैली चली है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए तेलंगाना, फिर दूसरे राज्यों तक जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के कर्मी है, लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस के लोग मौजूद है जो अपनी बातें कर रहे हैं और कांग्रेस का यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन, मतलब भीड़ देखने को मिला, उसे तो लग रहा है कि शायद कांग्रेस की वो पोजीशन नहीं है जो मीडिया पर लगातार बार बार दिखाती और समझाती रहती है। लोगों से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास नायक। अच्छा, कहाँ से? कर्नाटक से। चामराजनगर, जनरल सेक्रेटरी ST विभाग। तो क्या लग रहा है सर, क्या किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? जोड़ो वेरी गुड प्रोग्राम। अच्छा, वेरी गुड प्रोग्राम। गाइस गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लोकल पीपल? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, सो यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस के बहुत सारे कर्मी हैं, यहाँ पर पोस्ट होल्डर लोग हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे चल चुकी है। भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद है जो राहुल गांधी का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हिंदी? अच्छा, तो लगातार जो है लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे कि समझेंगे कि क्या कुछ मामलात है। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से चल पड़ी है, लोग उनके साथ चल रहे हैं, लाखों की संख्या में ऊपर तक लोग मौजूद है, लोग चल रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं और देखिए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है किस तरह से सफल होती नजर आ रही है और लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक का ये जो है मेन सड़क है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ और कांग्रेस के झंडों के साथ राहुल गांधी का झंडा, फिर उस झंडों के साथ जो है यूथ कांग्रेस के झंडे और लगातार यहां पर लोगों का जो है, लोग रास्ते पर मौजूद है राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को एक मर्तबा देखने के लिए लोग जो है हजारों की संख्या में काफले के साथ चल रहे हैं। और कर्नाटक में जो है फिलहाल कांग्रेस विपक्षी दलों में से एक है, मगर फिर जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? सूरज हेगड़े। हेगड़े जी, तो कर्नाटक में राहुल गांधी ने फिर से जो है सीबीआई और ईडी के खिलाफ लगातार जोरदार भाषण दिया। डर गए बीजेपी वाले, डर गए, डर गए बीजेपी वाले, और क्या करेंगे, उनका सरकार है, लोगों को नहीं छोड़ रहे इधर आने के लिए, फिर भी इतना लोग जमा हुआ है तो डरेंगे तो नहीं क्या होंगे? इतना भीड़ कहाँ से आया है सर? ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी लोग आया है। अच्छा, इन्होंने रोका है, बहुत जगह में रोका भी है। अच्छा, फिर भी लोग चल चलते आए। तो क्या लग रहा है बीजेपी क्या इस रैली को फ्लॉप करने की कोशिश में है? बहुत बहुत जोर से कोशिश लग गया, उनको डर भी है उनको। पीएम मोदी को क्या राहुल गांधी से सच में डर लग रहा है? उनका टी शर्ट के बारे में, उनके जूते के बारे में डिस्कशन होता है। अच्छा, कोई पीएम मोदी के चश्मे के बारे में डिस्कशन करने का धम है क्या? हाँ, कोई प्रेस वाले अपना माइक उनके सामने रख सकता है क्या? राहुल गांधी तो इधर लोगों के बीच में चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस समीकरण से 2024 बदलेगा? 2024 बदलेगा, उसके बाद भी बदलेगा, इतिहास का, इंडिया का अच्छा रहेगा, भारत का, क्योंकि ये तोड़ने के काम करते हैं, हम जोड़ने के काम करते हैं। धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लोगों का समर्थन, अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। लोग जो है राहुल गांधी को स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में, मेरे आगे की तरफ आप देखें, लाखों की संख्या में चल रहे हैं लोग राहुल गांधी को देखने के लिए बेकरार है। और जिस तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक का आज पहला दिन है यहाँ पर, और लोग जो है लाखों की संख्या में कह सकते हैं, और जिसको लेकर राहुल गांधी ने आज सीबीआई और ईडी के खिलाफ लगातार जो है भाषण दिया और कहा, और ये एक व्यक्ति है,
ये थोड़े से पांव से कमजोर है, मजबूर है, मगर उसके बावजूद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है और चल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के लिए मोहब्बत अपार समर्थन है, और राहुल गांधी को यहाँ पर किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। तो और कुछ जो लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। क्या नाम है सर? नवीद। नवीद, अच्छा क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा? कितना लग रहा है? तो यहाँ पर कितना भीड़, कैसे कितना प्रेम है राहुल गांधी से कि इतनी भीड़ बड़ी हो गई? इधर 3 लाख ज्यादा जम गए इधर। अच्छा, भारत जोड़ो नंदा। तो यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के बैनर पोस्टर सभी हर तरफ लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए जो है राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। हम भी उनके साथ चल रहे हैं और लगातार आपको द इंडियन खबर के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और जो लोग भी मिलेंगे यहाँ पर लोगों, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।